गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फोर्थ चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट। आपको लॉन्ग पता है ना, लॉन्ग लॉन्ग किसे बोलते हैं और शॉर्ट किसे बोलते हैं? जो लंबा होता है उसे लॉन्ग बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे शॉर्ट बोलते हैं। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट देखो यहाँ पे पेज नंबर आपका 46। तो आपको नोटबुक और सब पेन ले पेंसिल लेके बैठना है, और अभी जो भी हम लिखते हैं वो आप जब टेक्स्ट बुक में मैं कराती हूँ तो आपको नोटबुक में लिखना है, और जब वर्कबुक में कराती हूँ तो आपको वर्कबुक में इसको फिल करना है। लाली इज सेलिंग दिस एट हर फादर शॉप, अ फार्मर कम्स टू बाय रोप। कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप? मुझे 7, ये फार्मर आया और वो लाली का बैठी है उसके पापा के शॉप में। तो हियर इज आवर फोर यूर 7 आर्म्स ऑफ रोप, ये आपका 7 आर्म्स रोप है। लेकिन व्हाई डोंट यू मेजर यूर आर्म विथ दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ, बट दिस इज ओनली 6 आर्म। अभी उसने कैसा, लाली कैसी है, छोटी है, तो उसने उसका आर्म है ना, उसका हाथ, उसका जो हैंड है वो आर्म, उसने उससे ऐसा उससे उसको गिन के दिया काउंट करके। तो वो तो छोटी है तो उसके हाथ से तो छोटा आएगा ना, और उन्होंने जब वो करा वो फार्मर ने तो 6 आर्म नहीं हुआ। सो द फार्मर मेजर हिज आर्म विद द रोप एंड लाली गिव हिम 7 टाइम्स दैट सच मच रोप। मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज द डिफरेंस? आपका आर्म है ना और आपके मदर का आर्म, तो ये आर्म हमारे यहाँ से आता, तो आपका और मम्मी के फर्क होगा ना, आपका आर्म छोटा होगा मम्मी का बड़ा होगा। हाउ मेनी, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल दौरजी क्रॉस द रोड? और दौरजी को रोड क्रॉस करना है तो कितने स्टेप्स के लिए लेगा वो, तो कितने लगेंगे, तो है ना उसके स्टेप देखो 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 जैसा होगा। फिर यहाँ पे कितने बाउल हम रखेंगे तो और 4 हाउ मेनी कप्स, तो इसके जैसे कप हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस इन अ लाइन ऑन दिस टेबल, तो देखो यहाँ पे दूसरा आएगा 3, 4, 5 यानी कितने रखने पड़ेंगे, ऐसे 5 बाउल्स रखने, 4 या 5 बाउल्स हमें रखने पड़ेंगे। हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री बेड, यहाँ तक उसका ट्री को यहाँ तक रखना है तो कितने रखने पड़ेंगे, 1, 2, 3 और रखने पड़ेंगे। यहाँ पे हाउ मेनी शॉर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर, तो यहाँ पे 1, 2, 3 4 कितने शॉर्ट्स आएंगे, 4। ये शॉर्ट्स के माप से हमें करना है, हम क्या करेंगे हमारे इसमें हम किस तरह से करेंगे पता है, हमारी मेजर वो जो का मेजर लेंगे और फिर उससे करेंगे तो हमारे मेजर से एकदम एक्यूरेट आएगा। अभी हाउ मच इज अ सेंटीमीटर, आपका पेज टर्न करो पेज नंबर 48। यहाँ पे देखो इसके लिए लिजार्ड दिखाई दे, तो ये भी इसका हमको कैसा है इसका करना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, हमारी मेजर स्केल वो रखेंगे, स्केल रखेंगे और उसका हम करेंगे यहाँ से उसका 0 रखेंगे और ये कहाँ तक आता है वो देखेंगे है ना। इस तरह से हमें ये सब हल्का भूरा यहाँ पे हमको कलर ये बताया थे, तो ये हमें मेजर करना है। द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड, द लिजार्ड इज 30 सेंटीमीटर, द लीफ इज ये आपको करना है ये कितना सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे कितना हुआ ये 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर है ना, ये 1 ही आया, ये कितना आया 30 लिजार्ड का। अभी द वैक्स कलर इज सेंटीमीटर लॉन्ग, वैक्स कलर कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है तो यहाँ पे 4। फिर नाउ लुक, वैक्स कलर कितना 1, 2, 3, 4 कलर है ना। फिर
ड्रॉ करना है और फिर उसका हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो ये हम खुद करेंगे। हाउ बिग इज माई हैंड, मेरा हैंड कितना बड़ा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर, यूज द स्केल ऑन दिस पेज। स्केल से हम हमारा फिंगर और थंब और हमारी फिंगर है ना मेजर करेंगे और लिखेंगे। विच इज लॉन्गर, थंब और फिंगर, कौन लॉन्गर है, फिंगर ही लॉन्ग है ना, तो हमें पता है। फिर गेज द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ योर गेज इज करेक्ट, यू कैन। तो हमें इस तरह से पता चलता है कि कौन सी चीज बड़ी है तो वो लॉन्ग है और छोटी है तो वो शॉर्ट है। अब ये यहाँ पे सब दिया है, आपका नोज ये सब दिया हुआ है। हु हैज द बिगेस्ट हेड, ये सब हमें करना है। फिर गिबली एंड द ग्रेस, एंड गिबली हैज टू रीच द ग्रेस, इसको ग्रेस के पास पहुंचना है। सी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, कैन यू टेल हर व्हिच इज द शॉर्टेस्ट। अब ये हम इसको शॉर्ट ट्रेल है ना, हम गेम खेलते हैं ना, वो पेपर में भी आता है ऐसा पजल जैसा, इसको भी याद पहुंचना है तो हम शॉर्टकट, तो कौन सा शॉर्ट हो सकता है। देखो ये भी ऐसा जाएगा, ए वाला लॉन्ग हो जाएगा, ये सी वाला भी लॉन्ग हो जाएगा, ये डी वाला तो बहुत है, शॉर्ट कौन सा होगा, डी वाला। तो कैन यू ड्रॉ ए रोड शॉर्टर देन दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, हम इससे और शॉर्ट कर सकते हैं, हम सीधा सीधा यहाँ से रोड ऐसा कर सकते हैं ना, तो वो शॉर्ट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, अब हमें मीटर कितना लॉन्ग होता है। आई वॉन्ट टू मेक ए लॉन्ग कुर्ता, मुझे लॉन्ग कुर्ता बनाना, टेक टू मीटर्स क्लोथ फॉर योर कुर्ता। तो ये क्या बोलते हैं, वो कहा गए शॉप में गए ना क्लोथ के, और वो बोल रहे हैं वो जो शॉपकीपर है वो क्या बोल रहे हैं, बोले मुझे मुझे लॉन्ग कुर्ता सिलाने का है, तो कितना, तो बोले 2 मीटर। एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर ए लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी, स्कर्ट के लिए तो यू नीड 3 मीटर, तुझे बोले स्कर्ट के लिए कितना चाहिए, 3 मीटर्स है। लेट अस मेक अ मीटर रॉड, यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लोथ विद अ मीटर रॉड, मीटर रॉड पे ये शॉर्ट, वो उसके पास क्लोथ मा पता है टेलर के पास भी होती है ना, होते यूज अ मीटर रॉड एंड अ रोप, मेक अ नॉट एट वन एंड टू ऑफ द रोप। अभी उन्होंने डोरी ली है और वो मीटर रॉड को ऐसे एक गांठ बांध दी है वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे, नॉट, कीप द मीटर रॉड विद द रोप, मार्क 1 मीटर ऑफ द रोप एंड मेक अ नॉट देयर। अभी ऐसा है उन्होंने क्या करा है, ये मीटर टेप है ना, मीटर टेप, और यहाँ पे एक ऐसा रोप यानी डोरी ली है, और यहाँ पे देखो 1 मीटर आया ना, 1 मीटर आया ना, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बांध दिया, एक नॉट यानी गांठ बांध दी है। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 knots इज 1 मीटर, एक यहाँ पे बांध दी है ना, और यहाँ पे तो कितना हो गया, ये 1 मीटर का उसका डिस्टेंस हो गया। दिस इज योर मीटर रोप, अभी ऐसा करके आपका मीटर रोप आप तैयार कर सकते हो ना, आपके पास मीटर टेप नहीं हो टेलर की जैसी, लेकिन ऐसे आपके पास ऐसे फूटो तो उसे आप मीटर टेप तैयार कर सकते हो मीटर रोप। इफ यू डोंट गेट अ मीटर रॉड यूज मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 centimeters ऑन द रोप, 100 are equal to 1 meter, अब 1 meter इक्वल टू कितना होता है, 1 meter इक्वल टू 100 centimeter। यहाँ पे हमेशा याद रखना है हमारे पास सेंटीमीटर वाली फुट होती है ना, तो उसका जो 100 लेंगे ना हम, तो वो क्या बनेगा, 1 meter बनेगा, 100 centimeter, 100 centimeter इक्वल टू 1 meter। इसे हमें याद, हमेशा याद रखना है, हम आगे भी पढ़ेंगे तो आगे भी हमें याद रहना चाहिए। गेज
and take your turn your page and page number 54. Find something that look 1 meter long. आपको ऐसी चीजें जो 1 meter long है इसे आपको ढूंढना है. Use your meter rope to find which of these things and are more or less than 1 meter. 1 meter से more हो, ज्यादा हो और 1 meter से कम हो, वैसे आपको length of table यहाँ पे अपने को आपको खुद गिनती यहाँ पे लिखना है. फिर activity 2, some class 3rd children have marked 1 meter height on the wall of their class. You can also mark 1 meter on your class wall. हम देखते हैं ना हमारे जब स्टूडेंट की हाइट करी जाती है ना स्कूल में, तो स्कूल में बच्चों को ऐसा खड़ा करते हैं यहाँ पे, ऐसे दीवार के पास खड़ा करते हैं, फिर उसको ऐसा मार्क करते हैं ना यहाँ पे भी इतना कितना मीटर है, 1 meter, 2 meter, है ना, ऐसा सेंटीमीटर में है ना, कितने इंच इंच में करते हैं ना. तो इस तरह से हमें हमारे घर पे हम कर सकते हैं. नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स. फिर आपके अलग अलग फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे, देखो टेबल दिया है और फिर उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है ना, जैसा हम मजा भी आएगा, गेम भी खेल ऐसे गेम जैसा भी होगा, हमारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे और है ना उसके फिर भी तेरी हाइट कितनी है उसका नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे हाइट लिखेंगे. तो आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर. मैं 4 सेंटीमीटर हूँ यानी मैं कितना मोर देन 1 मीटर हुआ ना. 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर ही होता है. ये 4 सेंटीमीटर बोल रहा है. They get down at Agra
एंड रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल। वो वहां पे उतरे है ना, और वहां पे रेलवे स्टेशन से उन्होंने क्या पकड़ी, रिक्शा। कहां जाने के लिए, ताजमहल। पता है ना आगरा में ताजमहल है। आफ्टर 3 आवर दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट। फिर 3 आवर्स के बाद उन्होंने कहा कर जाना आगरा फोर्ट। वहां पे आगरा फोर्ट, आगरा में किला है वहां पे। फिर अगेन इन अ रिक्शा। फिर वो रिक्शा में, फिर इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सिकरी। फिर उन्होंने दोपहर में क्या करा, एक बस पकड़ी और बस में कहा गए, फतेहपुर सिकरी गए। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स। वी राइट किलोमीटर, हम किलोमीटर। अब बड़ा बड़ा डिस्टेंस है तो मीटर से भी ज्यादा बड़ा है तो किलोमीटर में आएगा। आगरा कांड रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर है ना, यहाँ से कितना है 5 किलोमीटर। ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर, आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होता है ना एक जगह से दूसरा जगह, दूसरी जगह, वो मीटर से भी लॉन्ग होता है। तो वो किलोमीटर यानी 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। रेलवे लाइन का किसका है, रेलवे लाइन।
रेलवे लाइन से कौन सा नजदीक है? आगरा फोर्ट नजदीक है, फतेहपुर सिकरी नजदीक है, कि ताजमहल है, कि रिवर यमुना है, कि ताज फॉरेस्ट है, आगरा घाट रेलवे स्टेशन है, तो कौन सा नजदीक है? यहाँ पे फतेहपुर सिकरी दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ये कितना बताया है, सबसे नजदीक कौन सा है? तो आगरा कांड रेलवे स्टेशन जो है ना, वहां पे बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट, ये दोनों में से बोलते कौन सा नजदीक है? देखो यहाँ पे ये दूर दिख रहा है ना, यहाँ से ये रेलवे लाइन से बाबरपुर नजदीक दिख रहा है, यहाँ पे दूर दिख रहा है, तो बाबरपुर फॉरेस्ट लिखेंगे। आगरा फोर्ट और ताजमहल, आगरा फोर्ट नजदीक है या ताजमहल नजदीक है, तो कौन सा नजदीक दिख रहा है? तो आगरा फोर्ट नजदीक दिख रहा है, तो आगरा फोर्ट नजदीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन से कितना है, वो 2 किलोमीटर है आगरा फोर्ट। बीच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना, यमुना के पास में क्या है? ताजमहल और रेलवे स्टेशन। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? ताजमहल है ना, यमुना के नजदीक कोई गया होगा। आप आगरा गए हो और ताजमहल देखा होगा, कि ताजमहल के सामने क्या है? यमुना रिवर है, तो एकदम नजदीक है वहाँ पे यमुना रिवर, तो ये ताजमहल के पास में ही है। मैच द करेक्ट लेंथ, अब ये का लेंथ आपको करेक्ट करना है, कौन सा लॉन्ग हो सकता है, कौन सा शॉर्ट होता है, या तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, द एनिमल ऑफ इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन, लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की कितनी हो सकती है? मीटर में हो सकता है या सेंटीमीटर में? तो मीटर में हो सकता है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख सकते हैं हम, मीटर में। फिर हाइट ऑफ ए चाइल्ड, तो ये हो सकता है 1 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर हो सकता है। फिर विड्थ ऑफ ए फिंगर नेल, तो सेंटीमीटर में हो सकता है ना, 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए साड़ी, तो ये तो 5 मीटर होती है लेंथ ऑफ साड़ी की। फिर डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, तो ये किलोमीटर में, तो ये 2 किलोमीटर आ गया यहाँ पे। ये 1 सेंटीमीटर होगी हमारा, जो हम बताया हो ना, तो विड्थ ऑफ ए फिंगर नेल की, तो 1 सेंटीमीटर होती है। फिर हाइट ऑफ चाइल्ड, तो 1 मीटर, 5 मीटर्स। तो यहाँ पे हमें ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पे अभी द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, द एनिमल्स इन द पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन, द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वन अ प्राइज, जिसका जिस एनिमल की लॉन्गेस्ट टेल होगी ना, लंबी पूंछ, तो उसे क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकंड, जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल। तो किसकी होगी भाई? यहाँ पे काउ बताई है ना, बंदर की पूंछ सबसे लंबी होगी, तो किसे प्राइज मिल सकता है? और ये स्नेक भी है, अब मेरी टेल है वो तो लंबा पूरा स्नेक, तो आपको ये गेस करना है। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है ना। थैंक यू। आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, और आपको वर्कबुक में भी, कि हम वर्कबुक का करेंगे, तो वर्कबुक का जो टेक्स्ट बुक का है वो हमें नोटबुक में लिखना है, और वर्कबुक